तो आज फाइनली गाइस काफ़ी दिनों को वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो फौजी जो गेम है वो आज लॉन्च हो चुका है। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो गेम है ये उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फौजी के गेम के बारे में, और दोस्तों मेरा ओपिनियन मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसा मुझे ये गेम लगा। दोस्तों काफ़ी दिन से मैं इस पबजी ये फौजी गेम का वेट कर रहा था। जब से दोस्तों ये पबजी मोबाइल जब बैन हुआ था तब से दोस्तों यहाँ पर अनाउंस हुआ था कि फौजी जो है जल्दी लॉन्च होने वाला है और वो एक इंडियन गेम है। दोस्तों मेरे साथ साथ सारे लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे गेम लवर्स हैं जो सारे वेट कर रहे थे फौजी का, ठीक है। तो काफ़ी दिनों तो वेट करने के बाद दोस्तों आज फाइनली 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे को आज जो फौजी गेम है वो लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे फौजी गेम लॉन्च हो मैंने तुरंत ही डाउनलोड किया और उसको खेला। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आज ये गेम प्ले जो ये है ये फौजी का जो गेम है ये मेरे को कैसा लगा। दोस्तों जब मैंने फौजी को ओपन किया तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे ट्रेलर टाइप का चलने लगा जो कि मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे जब आप गेम को खेलोगे तो वो हिंदी भाषा में बनाया गया है, ठीक है। उसकी जो वॉइस ओवर वगैरह है वो सारे हिंदी में है। इसके जो ग्राफिक्स है वो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगे, लेकिन इसके जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको एडजस्ट करने को देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप अपने हिसाब से इसके कंट्रोल्स वगैरह सेट नहीं कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को इस गेम की जो अच्छी चीज़ नहीं लगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो गेम है ये दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ऑफलाइन खेल रहे हो, आप अकेले खेल रहे हो। क्योंकि दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए ये फौजी जो गेम है इसमें अभी मल्टीप्लेयर मोड नहीं आया है, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाओगे। दोस्तों इतने दिनों के बाद वेट करने के बाद मैं ये तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो गेम है ये मल्टीप्लेयर आएगा और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल पाऊंगा, लेकिन दोस्तों यहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बल्कि दोस्तों यहां पे एक ऐसे स्टोरी टाइप का गेम प्ले है जो कि मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। क्योंकि दोस्तों आप ऐसे इंडियन आर्मी के बारे में और भी जान पाओगे, बॉर्डर के बारे में और भी जान पाओगे, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर अगर आप अकेले गेम खेलना चाहते हो, मान लीजिए आप कभी बोर हो रहे हो, आप कभी ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आप कभी कहीं जा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आप मान लीजिए आप मतलब एकदम बोर हो चुके हो, आपको कुछ खेलने का मन कर रहा है, तब दोस्तों आप इस गेम को खेल सकते हो। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब ऐसे इसकी जो वॉइस ओवर वगैरह है, इसकी जो स्टोरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, ठीक है। लेकिन इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे इसके कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं और यहाँ पे अभी मल्टीप्लेयर मोड नहीं आया है जो कि आने वाले समय में ज़रूर आने वाला है, जैसे कि वहाँ पे दिया गया है फौजी गेम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि और भी हमें वेट करना पड़ेगा। दोस्तों कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फौजी गेम है ना ये जल्दबाजी में लॉन्च किया गया, क्योंकि जैसे ही पबजी मोबाइल जो है बैन हुआ था उसके बाद दोस्तों ये तुरंत मतलब कुछ ही दिन में अनाउंस कर दिया गया था कि एक इंडियन गेम लॉन्च होने वाला है जो कि नाम होगा फौजी। मतलब दोस्तों गेम तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, लेकिन यहाँ पे इसमें ना आपको अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लेयर देखने को नहीं मिलता है, आप अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाओगे। लेकिन दोस्तों गेम प्ले का स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और दोस्तों अगर आप इस गेम को खेलोगे तो इस गेम की जो अर्निंग होगी वो दोस्तों आधा यहाँ पर जाएगा आर्मी वालों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यानी कि दोस्तों आप अगर कहीं भी बोर वोर हो रहे हो तो आप इस गेम को खेल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेम है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको बता दूं फौजी अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, मैं मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।